दोस्तों आज हमारे पास एक सुकैम का इन्वर्टर है जो कि इसका मॉडल नंबर है फेलकॉन यूको और ये प्योर साइन वेव होम यूपीएस 1000 VA का है। इसमें समस्या ये है, ये पूरी तरीके से डेड है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, उसके बाद फॉल्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने इसके कवर को निकाल दिया है और ये हमारी पीसीबी हो गई। यहाँ पे हमको थोड़ी सी स्पार्किंग दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये स्पार्क होके इसका कनेक्टर जल गया है पूरी तरीके से। और इसका इस डीसी फ्यूज कर रहता है, ये भी ओपन हो गया है, इस वजह से ये डेड है। तो चलिए इसके बोर्ड को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग आपकी नहीं हो सकती क्योंकि ये जितने इसके कंपोनेंट लगाए गए हैं सारे चिप लेवल के अब आ गए हैं ये साइन वेव में लगभग में। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रिपेयरिंग नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट ख़राब होगा कोशिश करेंगे उसको चेंज कर दिया जाए। और तो चलिए इसको बाहर कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या हमारी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी पीसीबी को अच्छे से ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा जैक स्पार्क होके शॉर्ट हुआ था, ये स्पार्किंग होके जल गया था कनेक्टर। इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, निकाल लेंगे जो जला हुआ है, उसके बाद हम फ्यूज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूज पहले डाल दी है। फ्यूज डालने के बाद आप जो ट्रांसफार्मर के ड्रेन के दोनों वायर हैं उसको कनेक्ट करने से पहले आप मॉस्फेट पे वोल्टेज जरूर चेक कर लें, नहीं तो अगर जो मॉस्फेट हमारा खराब रहेगा लगाएंगे तो आपके सर्किट में और भी फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि साइन वेव पीसीबी में इस तरीके के फॉल्ट काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेंगे, जो हमारा ये कंपोनेंट जल गया था जितना, उसके बाद अब हम चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने अपने जैक को क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया अच्छे से। आपके पास दूसरा जैक हो तो आप दूसरा जैक डाल सकते हो, नहीं तो आप वायर को डायरेक्ट ही सोल्ड कर दो। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने वोल्टेज चेक करेंगे अपने मॉस्फेट पे। तो उसके लिए यहाँ से हमने निगेटिव कनेक्ट कर ली थी, पॉजिटिव से वोल्ट चेक करेंगे। तो ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया है। यहाँ से हम थोड़ी सी जो हमारी स्विच होती है ऑन ऑफ के लिए, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, आप अपने मॉस्फेट पर वोल्ट ऐसे ऐसे चेक करके दोनों साइड के चेक कर लें। तो अगर वोल्ट आपके आ रहे हैं तो उसके बाद आप कनेक्ट करें इन्वर्टर के अंदर। तो अब ये हमारा वोल्ट आ रहा है, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने पीसीबी को अच्छे से ऐड कर दिया है और सारे जितने जैक होते हैं उसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं जैक नहीं लगा पाया, केवल डायरेक्ट सोल्ड कर दिया हूँ नीचे से, जैक हमारे पास थे नहीं इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही लगा दिया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी लाइन से, उसके बाद ही चेक करते हैं। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, अभी ये देखें इन्वर्टर ऑन हो गया है। अब हम इसकी थोड़े आउटपुट चेक कर लेंगे। यहाँ पे इसका आउटपुट भी काम कर रहा है। अब हम इसकी चार्जिंग को चेक कर लेंगे, तो इसको भी लगाते हैं 220 में। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा, थोड़ा समय लेता है मेन्स होने में, मेन मोड में आने में। तो अभी ये भी आ जाएगा, ये देखें ये भी आ गया।
और हमारा एम्पियर भी आ गया, चार्ज भी करने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो आप। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।